खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां चहनिया क्षेत्र के बिसापुर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार में आज क्षेत्रीय किसानों के लिए निःशुल्क बीज वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रमुख अरुण जायसवाल ने 80 किसानों को बीज का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख अरुण जायसवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृतसंकल्पित है, इसलिए किसानों को कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक व फसलों में प्रयुक्त होने वाली कीटनाशक दवाइयां भारी अनुदान पर प्रदान की जा रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। प्रमुख जी, आज आप राजकीय बीज गोदाम पे आए हैं, क्या कार्यक्रम रहा है? आज किसानों का बीज का वितरण है, जो मुझे सूचना मिली कल और मैं समय से पहुंच गया हूं। यहां पर कितने लाभार्थियों को बीज दिया गया? 78 है, 80 किसानों को वितरण किया जाएगा। अच्छा, 37 किसान जो है कि दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो भवन बना है, ये भवन काफी जर्जर है और यहाँ पे लोगों की शिकायत यह है कि अभी तक यहाँ पे कोई शौचालय वगैरह नहीं बना है, जिससे इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या? मेरी संज्ञान में आज ही आया है, मुझे देख कर आश्चर्य हुआ अभी तक क्यों ये पीछे है, और मैं आज ही ये चीज को कह चुका हूँ कि मई के प्रथम सप्ताह में शौचालय निर्माण कार्य और इसकी जो है जो मेंटेनेंस है पूरा किया जाएगा।